एक ओर प्रदेश में कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन और बीजेपी के खिलाफ किसानों का रोष, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को बीजेपी का समझाने का प्रयास लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सीएम खट्टर ने मंडी में खरीद का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि किसानों की खरीद सही तरीके से जारी है। खट्टर ने कहा कि एफसीआई द्वारा खरीद के अलावा धान की फसल को अन्य एजेंसी द्वारा भी खरीद करने की बात कही। साथ ही खट्टर ने कहा कि अगर 1509 किस्म की धान की अगर सही कीमत ना मिली तो उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया जाएगा। वही सीएम ने पोर्टल की समस्या को लेकर कहा कि अब पोर्टल की कोई परेशानी नहीं है, शुरू के दिन कुछ दिन समस्या थी लेकिन जिसको ठीक कर दिया गया था। देखिए, क्योंकि सभी मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रही है, जहां भी मैं या हमारे कोई मंत्री जाते हैं सब मंडियों में होके आते हैं, उन मंडियों में क्या दिक्कत है क्या तकलीफ है वो सारी प्रत्यक्ष जानकारी लेते हैं। आज जैसे ही आने पर कुछ जानकारियां मिली हैं कि पानी की व्यवस्था थोड़ा इनकी कमज़ोर थी, वो मैंने मार्केट कमेटी के आदमियों को कह दिया, वो पानी की व्यवस्था पूरी करेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ चल रही है 3 दिन से। और जहाँ तक खरीद की बात है, खरीद में इन लोगों का कहना ये है कि केवल एफसीआई की खरीद है, एक एजेंसी और आनी चाहिए। अभी डिप्टी कमिश्नर को कह दिया, उन्होंने लिख भी दिया है कि वेयर हाउसिंग की खरीद जो है एक आध दिन में शुरू हो जाएगी, ताकि 1509 भी अगर सस्ती बिकती होगी तो उसको भी एमएसपी पर खरीद लेंगे, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। 17 से लेकर 19 तक ही मॉइस्चर जो है वो खरीदी जाएगी, 19 से ऊपर नहीं खरीदी जाएगी। 19 की भी जो है कटौती लगेगी, एफसीआई नहीं खरीदेगी, जो दूसरी एजेंसी है वो खरीदेगी। और अगर 17 से 19 तक जितना भी मॉइस्चर ज़्यादा है उतने परसेंट वेट में से उनका काटा जाएगा। वही मंडी में पानी की समस्या के समाधान का भी सीएम खट्टर ने आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।